तो मैं आया हूँ, जो मैं बहुत सालों से तमन्ना कर रहा था यहाँ आने की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप को लेकर आया हूँ और वो जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया मेरा, अभी सफा मरवा करा मैं, फिर अभी जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए। तो मुझे टाइम मिला नहीं इस व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, तो यही है, यहीं से स्टार्टिंग है। तो देखिए आप लोग सब चीज़ें बताऊँगा। मेरा यहाँ पे 12 दिन का स्टे है, फिर 8 दिन यहाँ रह के मैं मदीना जाऊँगा। तो देखिए हम लोग का पहला उम्रा हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ होटल, बाल भी कटवाना है वहाँ जाके। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंज़र हरम का। चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल। सो अस्सलाम वालेकुम फैम, वेलकम टू सेकेंड डे। आज हम लोग दूसरा उम्रा करने के लिए आए हैं, तो उससे पहले जो है मस्जिद आयशा में आके आपको दो नफिल और नियत बांधनी पड़ती है पानी ना के। तो आगे हम लोग पानी वगैरह नहा लिए, नियत हो गई, अभी जा रहे हैं फिर से दूसरा उम्रा करने के लिए। कल रात में 3 बजे करें हम लोग उम्रा, रात में करें, आज दिन में करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए, आगे का बताता हूँ मैं आप लोगों को। सो फैम, अभी हम लोग आ गए हैं दूसरा उम्रा करने के लिए हरम में। तो अभी जा रहे हैं अंदर। कल हुआ उम्रा हम लोग का पहला उम्रा, माँ बाप के साथ हुआ मेरा उम्रा, बहुत खुशी हुई। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो इतनी जल्दी उम्रा कर लिया, वरना लोग बूढ़े हो जाते हैं फिर भी उम्रा नहीं होता। लोगों के पास बहुत पैसा होता है फिर भी वो नहीं पाता उनसे उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। और मैं यही दुआ मांगता हूँ कि जो जो भी वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, अल्लाह उन सबको, हर औलाद को अपने माँ बाप को उम्रा कराने की तौफीक अता करे। तो अस्सलाम वालेकुम फैम, अभी हम लोग जा रहे हैं गारे हिरा के पास, और ये है अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। सलाम हबीबी वे, चलो हबीबी ये तलाफी ये भाई अभी उतरे हैं इजिप्ट से, अभी उतरे हैं फ्लाइट यहीं चाहिए आपकी, अभी उतार रहे हैं, बड़े बड़े उतार रहे हैं भैया, इतनी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे जा रहा है अपने गुवारे हिरा। सो फैम, हम लोग इतनी ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और बहुत बुरी हालत हो गई थक के। और हमारे अरमान बासित कुरैशी साहब यहाँ बढ़िया आराम कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बूढ़े बूढ़े लोग इतनी फुर्ती से चढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखो। और ये देखो, और ये हमारे बाजी साहब के देखिए आराम से बैठ गए यहाँ पे, बकरीद का गोश्त काट लेते। चलो भाई, चलो भैया, या माफी मुश्किल, चलो तो भाई देखो चलते चलते थक गए रहमान भाई। भाई पहाड़गंज के पहाड़ा चढ़े हुए, इसमें चढ़ने का ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं। कितने फीट? 2500 फीट। ऑलमोस्ट 2500 फीट का पहाड़ है ये, ऑलमोस्ट एक 50 फीट बाकी रह गए हैं, इंशाल्लाह चढ़ जाएंगे वो भी। वो सभी का जूस का इंतजाम भी है, जूस वगैरह भी है यहाँ पर। तो कराची से लोग ईद, नहीं नहीं कराची से लोग ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र। तो नाज़रीन आगे मिलते हैं, बने रहिए खबरनामे पर आपके टीवी। तो नाज़रीन जैसा आप देख रहे हैं, लोग 2500 फीट का पहाड़ इतने जद्दोजहद और जुनून के साथ चढ़ रहे हैं। ये देखिए हम लोग आ रहे हैं वहाँ से एकदम नीचे नीचे से, और ये है गारे हिरा। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं आपकी टीवी, कैमरामैन कामिल हुसैन और रिपोर्टर छानदाव आपके साथ, ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ये देखिए पीछे पहाड़ और ऊपर है गारे हिरा।
यहाँ चढ़ना है हमको, बस कुछ ही दूर एनर्जी ड्रिंक लेते हुए यहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये वो जगह है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन क़याम करे थे इबादत के लिए। यहाँ से काबतुल्लाह इबादत करते थे, वो देखिए आप लोग क्लॉक टावर, वहाँ पे काबतुल्लाह है, इबादत करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन। और जो बीबी खदीजा है वसल्लम के पहले अहलिया, वो वहाँ से आते थे इतनी 2500 फिट का पहाड़ चढ़ के खाना देने के लिए हर रोज़ 40 दिन।